स्वागत है आप लोग का बायो कॉमर्स क्लास में। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं एडवर्टाइजमेंट मैनेजमेंट का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए पहले वीडियो बन चुका है, जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजमेंट मैनेजमेंट इज, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्रिएशन ऑफ डिमांड। दिस इज द वन ऑफ द फर्स्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। एडवर्टाइजिंग इज नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन, डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, प्रमोशन ऑफ आइडिया, गुड सर्विस। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय TRP, तो राइट आंसर हो जाएगा टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स। हु बिगेन द फर्स्ट न्यूज पेपर टू बी पब्लिश फ्रॉम इंडिया, राइट आंसर क्या हो जाएगा, जेम्स ऑगस्ट हिकी, ठीक है। एडवर्टाइजिंग स्टार्टेड इन, सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट कहाँ स्टार्ट हुआ था, तो इजिप्ट। एडवर्टाइजिंग क्या है भाई, नॉन पर्सनल है, ठीक है। एडवर्टाइजिंग मीडिया इज पेड, ए कंपेयर टू सेल्समैनशिप एडवर्टाइजमेंट इज लाइक, फर्स्ट आंसर हो जाएगा कॉस्टली। एडवर्टाइजिंग इज नॉन पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन कंडक्टेड थ्रू पेड मीडिया अंडर क्लियर स्पॉन्सरशिप, दिस डिफिनीशन हैज बीन गिवन बाय, तो क्या हो जाएगा, कॉटलर, ठीक है। अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, और हमारा व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। व्हाट्सएप चैनल को जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम हो सकता है डिलीट हो जाए, इसलिए आप लोग व्हाट्सएप चैनल पर भी पहले ही आ जाएंगे। एडवर्टाइजिंग क्या है भैया, इन्वेस्टमेंट है, दीजिए इन्वेस्टमेंट। इस पर क्वेश्चन भी आता है कि एडवर्टाइजमेंट इन्वेस्टमेंट है, उस पर एक्सप्लेन करो, रीजन दो क्यों इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो उस पर भी क्वेश्चन देख लीजिएगा। एडवर्टाइजिंग क्या है अपन देख चुके हैं, दिस इज ए नॉन पर्सनल। एडवर्टाइजिंग क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, तो राइट आंसर होगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोथ हो जाएगा, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट जो है बर्डन है, किसके ऊपर बर्डन है, कंज्यूमर एंड मैन्युफैक्चरर, राइट आंसर हो जाएगा सी, एडवर्टाइजमेंट। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, हर यूनिवर्सिटी पूछती है एडवर्टाइजमेंट क्या है, आर्ट या साइंस, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। तो ये क्वेश्चन देख के जाइएगा। फंक्शन ऑफ एडवर्टाइजमेंट मे बी डिवाइडेड इंटू विच ऑफ द फॉलोइंग, राइट आंसर हो जाएगा ऑल द एबव। जब भी आपको क्वेश्चन में ऑल द एबव दिखे तो वो 100% चांस रहता है कि वो डी आंसर ही राइट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर ऑफ एडवर्टाइजमेंट अकॉर्डिंग टू जेम्स बेबी योंग, राइट आंसर हो जाएगा डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इनडायरेक्ट मेल ऑर्डर एडवर्टाइजिंग, राइट आंसर हो जाएगा क्लासीफाई एड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूड इन प्लेस एडवर्टाइजमेंट, राइट आंसर हो जाएगा सी बोथ। Which is not a primary function of advertising, right answer होगा to increase profit by increase sale. Which of the following is not included in 5M of advertising, right answer हो जाएगा machine. Dash define the task that advertising must do with a specific target audience during the specific period of time, right answer हो जाएगा advertising objective. ये target audience पे भी question theory में पूछा जा सकता है, इसको भी देख के जाइएगा। थ्योरी क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट वीडियो हमारे चैनल पर बना हुआ है, आप देख सकते हैं। परसुएसिव एडवर्टाइजिंग बिकम डैश व्हेन अ कंपनी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंपेयर इस ब्रांड विथ वन और मोर अदर ब्रांड्स, राइट आंसर हो जाएगा कॉम्परेटिव एडवर्टाइजिंग। इन विच एडवर्टाइजिंग एडवर्टाइजर अट्रैक्ट द ऑडियंस बाय हाईलाइटिंग लो प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट सर्विस, राइट आंसर हो जाएगा बेट एडवर्टाइजिंग। यू आर नॉट एडवर्टाइजिंग टू ए स्टैंडिंग आर्मी, यू आर एडवर्टाइजिंग टू ए मूविंग पैरेड इज सेड बाय, राइट आंसर क्या हो जाएगा डेविड ओजिलवी। एडवर्टाइजिंग बजट इज प्रिपेयर बाय एडवर्टाइजिंग मैनेजर। मनी स्पेंड ऑन एडवर्टाइजमेंट क्या है भाई, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। दिस इज, आप इन्वेस्टमेंट पर टिक लगा मत आना, दिस इज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ये क्वेश्चन भी 100% आएगा। Affordable method of preparing advertising budget is used by company whose resources are, answer हो जाएगा limited. Advertising budget is finally approved by top management, ठीक है, top management. The competitive parties method of preparing advertising budget is used where competitive rigorous. Drugs addicted advertising is a dash advertising public service. लोकल एडवर्टाइजिंग इज स्पॉन्सर बाय, कौन स्पॉन्सर करता है, रिटेलर। फाइनेंशियल एडवर्टाइजिंग कौन कंडक्ट करता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस।
कॉमर्शियल एडवर्टाइजिंग इज कंसर्न विथ इंक्रीजिंग व्हाट सेल्स. विच ऑफ द इथिकल इशू ऑफ एडवर्टाइजमेंट. राइट आंसर हो जाएगा पफड़ी. एडवर्टाइजमेंट इज ए फंक्शन, तो राइट आंसर हो जाएगा मैनेजमेंट. मैनेजमेंट का फंक्शन है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग. राइट आंसर हो जाएगा प्रोडक्ट कॉस्ट एंड प्राइस. विच इज अनइथिकल इन एडवर्टाइजिंग. राइट आंसर हो जाएगा मिसलीडिंग एंड फॉल्स इंफॉर्मेशन. दिस इज व्हाट अनइथिकल. इंडिसेंट एडवर्टाइजिंग रिफर्स टू. राइट आंसर हो जाएगा ए यूज ऑफ वगलर स्केचेस और पोस्टर्स. इन विच ईयर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया था भाई, कब आया था, 1986 में. इस क्वेश्चन को भी देख के जाइएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग ऑन अ सोसाइटी. राइट आंसर हो जाएगा एडुकेशन. एडुकेट्स द कंज्यूमर अबाउट द प्रोडक्ट एंड देयर यूज. फियर कॉपी अपील्स टू. राइट आंसर हो जाएगा सेंस ऑफ फियर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मीन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एडवर्टाइजिंग. राइट आंसर हो जाएगा ब्रोचर्स. बुकलेट एंड कैटालॉग्स कम्स अंडर. राइट आंसर हो जाएगा डायरेक्ट एडवर्टाइजिंग. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेरिट ऑफ रेडियो एडवर्टाइजिंग. राइट आंसर हो जाएगा हाई कॉस्ट ऑफ टाइम एंड टैलेंट. डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग कवर. राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑल द अबव. अजय 46. विच वन ऑफ द न्यू फॉर्म ऑफ मीडिया इन एडवर्टाइजिंग. राइट आंसर हो जाएगा डिजिटल सिग्ने. ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर रीजन दैट मार्केटर आर लॉसिंग कॉन्फिडेंस इन टेलीविजन एडवर्टाइजिंग एक्सेप्ट. राइट आंसर हो जाएगा टेलीविजन ऑफर ए हाई कॉस्ट पर एक्सपोजर्स. आइए 48 नंबर देखें. विच वन इज नॉट द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ मीडिया. राइट आंसर हो जाएगा क्रिएट हेल्थ प्रॉब्लम. विच वन इज नॉट द टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग ऑन द बेसिस ऑफ टारगेट ऑडियंस. राइट आंसर हो जाएगा टेलीविजन एडवर्टाइजिंग. 50 क्वेश्चन देख रहे हैं. रेडियो एडवर्टाइजिंग इज ए पॉपुलर इन. राइट आंसर हो जाएगा विलेज एंड टाउन. ये PDF आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे. और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे. और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा.